भाई अगली ड्यूटी आ चुकी है गोविंदपुरी से सफदरजंग के लिए, तो उसको पिकअप करने के लिए अब जा रहा हूँ यहीं से। हाँ बैठने वाले कितने सर? 400 और 400। और 303 ठीक है सर? ठीक है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन जी भी है, ठीक है। लगाना है? हाँ लगानी पड़ेगी जी। हाँ हाँ तो किराए तो फालतू पर नहीं है, तो मेरे ख्याल में सब जगह दो ही का, पर छोटे शहर में अपने ही रूल है। हमारे तो सिंगल का सवारी का ड्राइवर का ये है। बेटी चलाना है कर लो बंद, अगर खोलना तो खोल लो बंद। इस स्टेशन से बहुत कम गाड़ियां रहती हैं आपकी? नहीं मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। इसको तो भूलनी पड़ेगी, कोई ट्रेन आती है ये दिवाली के लिए स्पेशल तो लाई हुई। अच्छा, है जम्मू से मुंबई। अच्छा जी, वो वाली यहाँ से निकलती हो? टिकट मारा मारी इतनी है ना अभी जो खत्म हुई है सब इधर। हमारा तो बंद रहता है ना उधर 15 दिन। अच्छा जी, 15 दिन पूरा मार्केट बंद रहेगा? हाँ पूरा बंद रहता है, हमारा तो पूरा खाली है सूरत सत्र दिवाली के बाद। हाँ दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के पहले से चालू रहते लोग, धनतेरस की पूजा करके निकलने लग जाते हैं। साल में ये 15 दिन छुट्टी है? हाँ साल में ये 15 दिन पूरा ये सूरत बंद रहता था। देख लो गूगल ना हो तो मिले यू। आपको फिर भी जानकारी थी थोड़ी इसकी, मैंने किसी को पूछा वो तो जानते नहीं है कि ये है स्टेशन भी दिल्ली। हाँ जब मैं कहूँ ये तो गुमनाम स्टेशन है सर, बगैर गूगल तो यहाँ पहुँच ही ना पाओ बंदा। बस ये स्पेशल ट्रेनों का ही स्टेशन है सर, बाकी नहीं आते इधर स्टेशन की। वो रेड कलर वाला यही है क्या? हाँ जी जरा सा ही है, मतलब 320 हो गए जी। आप 180 रुपये हैं आपके पास? नहीं आपने पेटीएम वगैरह करना पड़ेगा, वो कर दीजिए। देना भाई दिल्ली के गुमनाम रेलवे स्टेशन सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप हो गया है। टोटल गोविंदपुरी से ये पिकअप था मेरा, 320 रुपये का इसमें बिल बना है और सवारी चली गई है उतर के। अगर भाई गूगल भैया नहीं हो तो स्टेशन को कोई ढूंढ नहीं सकता, बाकी गूगल पे तो टैक्सी ड्राइवर तो ढूंढ ही लेते हैं, मगर आम आदमी बगैर गूगल के इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इसी जगह स्टेशन है, तो दिल्ली में भाई एक गुमनाम रेलवे स्टेशन भी है सफदरजंग रेलवे स्टेशन। तो चलो भाई अगली ड्यूटी का करते हैं इंतजार, कहाँ की ड्यूटी आएगी और कहाँ सवारी को जाना होगा। तो चलो चलते हैं अगली ड्यूटी के इंतजार में, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई ड्यूटी बजने का मेरे हिसाब से तो अंदाजा है नहीं, क्योंकि स्टेशन पर ट्रेन ही भूली भटकी कोई आती है। तो चलिए कहीं और चलते हैं।